इस समय पवित्र आत्मा की गहरी उपस्थिति को अनुभव करते हुए बैठेंगे। वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा का दमन ना करें, पवित्र आत्मा की प्रेरणा का दमन ना करें। डू नॉट क्वेंच, पवित्र आत्मा की प्रेरणा का, प्रेरणा को बुझाएं ना, दमन ना करें। यानी जब हमें पवित्र आत्मा कुछ प्रेरणा देते हैं, उदाहरण के लिए हो सकता है आप बैठे और घर में बैठे बैठे आपको एक दृढ़ प्रेरणा मिल रही है कि मुझे प्रार्थना करनी है, तो कभी भी उस प्रेरणा का दमन नहीं करना चाहिए, उठें और प्रार्थना करें। उदाहरण के लिए आपको प्रेरणा मिल रही है कि आप वचन पढ़ें, तो अगर पवित्र आत्मा की प्रेरणा है तो आप उसे करें। अगर पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार आप चलते हैं, काम करते हैं, बातें करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको और आगे बढ़ाते हैं, और आगे ले जाते हैं, वो आपकी मदद करते हैं आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए। चलिए प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखें, सब लोग प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, आराधना, तेरी तारीफ करते हैं हम, तेरी आराधना करते हैं हम। तू हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ, तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, हमारे लिए मृतकों में से जी उठा, पिता के दाहिने विद्यमान। ऐ प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। सृष्टि के महान मालिक, हम तेरी आराधना करते, तेरे अधीन हम अपने सर को झुकाते हैं प्रभु जी, तेरे चरणों में हम अपने सरों को नतमस्तक करते हैं। तू ब्रह्मांड का मालिक है, तेरे वचन में लिखा हुआ है आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पांवदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। हाँ प्रभु, सब कुछ तेरा ही तो है, ये पृथ्वी तेरी है, आकाश तेरा है, नदियां, सागर, और हम भी तो तेरे ही हैं प्रभु जी। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी तारीफ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा मित है, मित है, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, कहिए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा मित है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो।
समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में समा लिया है तुझको।
Hallelujah.
स्तुति करें एक साथ। हालेलुया 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 बोलते जाएंगे सभी लोग दूतों और संतों के साथ मिलकर। हालेलुया हालेलुया सामर्थ्यवान जीवित प्रभु का अनुग्रह इस वक्त इस वेदी से आपकी ओर बह रहा है। प्रभु का सानिध्य आपको घेरे हुए है। आपका घर इस वक्त महिमा का स्थान बन जाए। जो इस वक्त अपने दफ्तरों से लौटे हैं प्रभु का धन्यवाद करें। प्यारे भाई प्यारी बहन कुछ क्षणों के लिए प्रभु के साथ जुड़ जाना। आपकी सारी थकान सारी निराशा यीशु को समर्पित करना। प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। बीमार और रोगी लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा, मैं उन पर पट्टी बांधूंगा। मैं अपनी भेड़ों को धीरे धीरे ले चलूंगा। जो भली चंगी हैं उन्हें सांत्वना दूंगा, जो बीमार हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। प्रियजनों प्रभु जानता है, वो आपके दुखों को जानता है, इसलिए स्तोत्रकार कहता है, मेरी विपत्तियों का वर्णन हे प्रभु तेरे पास है। प्रभु ने कहा कि मैंने अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा है, अब मैं इन्हें क्षमा करूंगा, अब मैं इन्हें चंगा करूंगा। ओ मूसा मेरे लोगों को तो मिस्र की गुलामी फिराओं की गुलामी से छुड़ा कर लिया, तू इसका नेतृत्व कर। प्यारे भाई प्यारी बहन संध्या का समय प्रभु के चरणों में समर्पित होने का समय है। ये अनुग्रह का समय है, ये आपकी चंगाई का समय है, ये आपके भविष्य को उज्जवल बनाने का समय है, ये प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने का समय है, ये प्रभु की चंगाई को ग्रहण करने का समय है। आप में से बहुत से लोग आज अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अच्छे वर या वधू के लिए। नौकरी आपकी विदेशों में लग जाए, आपके वीजे लग जाए, आप में से बहुत सारे लोग इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप आज इस बात के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु आप मेरे साथ रह जाइए, प्रभु आप मेरे घर में रह जाइए। आज से मेरा घर मेरा नहीं है, आपका है। मैं सारा अधिकार आपको देता हूं। हे प्रभु यीशु, आप मालिक हैं और मैं किराएदार के रूप में उस घर में निवास करूंगा। हे प्रभु मेरे बच्चे तेरे हैं। हे प्रभु मेरी बेटी ये तेरी बेटी है। मेरा बेटा प्रभु तेरा बेटा है, इस पर दया कर। शैतान की दुर्वासनाओं से, दुष्ट शक्तियों से, आकाश की दुष्ट आत्माओं से इसे बचाने की कृपा कर। मोबाइल की इस अंधेरी दुनिया से बचाने की कृपा कर। नशे से ड्रग्स से बचाने की कृपा कर। हर एक प्रकार के प्रलोभन से इन्हें बचाने की कृपा कर। प्यारे भाई प्यारी बहन आप मांगिए, प्रभु कहता है मैं इन्हें प्रदान करूंगा। कहता है तू मुझसे मांग और मैं तुझे प्रदान करूंगा। अपने बच्चों को जो कितने भी बुरे क्यों ना हो तुम अच्छी चीजें देते हो, तो मांगने वालों को पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा।
प्यारे भाई, प्यारी बहन, पूरी दुनिया दुखों से भरी है, हमारा जीवन कष्टों से भरा हुआ है, सांसारिक चीजों पर हम आसक्त हैं, इसीलिए हम कष्ट में जीवन बिताते हैं। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, इसीलिए तुम कष्ट में जीवन बिताते हो। आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत बना दूंगा, वो किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, मैं उन्हें उजले बना दूंगा, ऊन की तरह उजले बना दूंगा। यस माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कम टू द जीसस, कम एंड सीक, आइए उसके चरणों में हाजिर होकर क्षमा की याचना करें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने घर की चार दीवारी को। हो सकता है आज कुछ काम ना बने हों, हो सकता आपकी योजना के अनुसार काम पूरे ना हुए हों, निराश मत होइए। प्रभु कहता है निराश होने से तेरा नाश है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। कहते जाना, हे प्रभु जब तू हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। जी हाँ प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस वेदी के आसपास वो नज़ारा जो स्वर्ग का है देखने की कोशिश करें, विश्वास की आंखों को खोलें, इस पवित्र संस्कार में प्रभु को देखने की कोशिश करें, वो आपको दर्शन देगा, उसका अनुग्रह आप पर उतरेगा। प्रभु के चेहरे को देखें, प्रभु के सिर पर रखे हुए कांटों के ताज को देखें, जो आपके और मेरे पापों के लिए उसने पहन लिया, उसके उस बदन को अपनी आंखों के सामने जो सूली पर निर्वस्त्र लटका हुआ था उस पर मनन चिंतन करें। कलवरी से प्यारे भाई, प्यारी बहन, खून की धारा जो बह चली, आपके घरों को शुद्ध किया, पवित्र किया और हमें बचाया, हमें बचाया। उसने दुख सहा, उसने पीड़ा सही, उसने कोड़े खाए, उसने लात घूंसे खाए, जिससे कि मैं और आप सुख की नींद ले सकें, जिससे मैं और आप बेचैन ना हो बल्कि चैन के साथ रह सकें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये अनुग्रह का समय है। दिस इज अ टाइम ऑफ योर हीलिंग, दिस इज अ टाइम ऑफ योर ब्लेसिंग। द लॉर्ड इज ब्लेसिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, छोटे से लेकर बड़े तक। नवजात शिशुओं को प्रभु आशीष प्रदान करता है, दंपतियों को, पति पत्नी को, जो एक दूसरे से दूर रहते हैं, ईमानदार रहें, वफादार रहें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु चाहता है कि आप उसके चरणों में उपस्थित होकर कृतज्ञ हृदय से उसका धन्यवाद करते जाएं, 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 धन्यवाद करते जाएं। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। बड़ी सादगी के साथ इस गीत को गाएंगे, दोनों हाथों को खुला छोड़िए, अपना मन प्रभु में लगाइए, खो जाइए प्रभु में, अपनी आंखों के सामने प्रभु की तस्वीर को देखें। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पे हम आए हैं और अपना सिर झुकाया है। झुका
प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी आराधना हो, आपकी आराधना हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा। मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में आया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज आपने मुझे ये दिन दिखाया है, मुझे ये दिन दिखाया है, मेरे बाल बच्चों पर, मेरे बाल बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरे भाई बहनों पर, मेरे भाई बहनों पर, सदा नजरें करम रखना, सदा नजरें करम रखना, तेरी रहमत का साया, तेरी रहमत का साया, जैसे हम पर छाया है, जैसे हम पर छाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरे कामकाज पर, मेरे कामकाज पर अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्त्रोत संख्या 102, साम नंबर 102, विपत्ति के समय प्रार्थना। मेरे पीछे इस भजन को दोहराइए और इसे अपनी प्रार्थना बनाकर, जितने भी लोग दुख में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ित हैं, बीमार हैं, आग्रह के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे, संकट के समय मुझसे अपना मुख ना छिपा, संकट के समय अपना मुख मुझसे ना छिपा, मेरी पुकार पर ध्यान दे, मेरी पुकार पर ध्यान दे, मुझे शीघ्र उत्तर दे, मुझे शीघ्र उत्तर दे, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह लुप्त हो जाते हैं, मेरी हड्डियां अंगारों की तरह जलती हैं, मेरी हड्डियां अंगारों की तरह जलती हैं, मेरा हृदय कटी हुई घास की तरह सूख गया है, मेरा हृदय कटी हुई घास की तरह सूख गया है, मैं भोजन करना भूल जाता हूँ, मैं भोजन करना भूल जाता हूँ, मेरे निरंतर कराहते रहने से, मेरे निरंतर कराहते रहने से, मेरा चमड़ा हड्डियों से चिपक गया है, मेरा चमड़ा हड्डियों से चिपक गया है, मैं मरुभूमि के घुग्गू जैसा हूँ, मैं मरुभूमि के घुग्गू जैसा हूँ, खंडर के उल्लू की तरह हूँ, खंडर के उल्लू की तरह हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, मैं छत पर एकांकी पक्षी जैसा बन गया हूँ, मैं छत पर एकांकी पक्षी जैसा बन गया हूँ, मेरे शत्रु दिन भर मेरा अपमान करते, मेरे शत्रु दिन भर मेरा अपमान करते, और निंदा करते हुए मुझे कोसते हैं, और निंदा करते हुए मुझे कोसते हैं,
भोजन के नाम पर मैं राख खाता, भोजन के नाम पर मैं राख खाता, और अपने पेय में आंसू मिलाता हूँ, और अपने पेय में आंसू मिलाता हूँ, अपने प्रचंड क्रोध के कारण, अपने प्रचंड क्रोध के कारण, तूने मुझे उठाकर फेंक दिया, तूने मुझे उठाकर फेंक दिया। मेरे दिन संध्या के प्रकाश जैसे हैं, मेरे दिन संध्या के प्रकाश जैसे हैं, मैं घास की तरह झुलस रहा हूँ, मैं घास की तरह झुलस रहा हूँ। प्रभु तेरा सिंहासन अनंत काल तक बना रहता है, प्रभु तेरा सिंहासन अनंत काल तक बना रहता है, और तेरी स्तुति युग युगों तक, और तेरी स्तुति युग युगों तक। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का समय यही है, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का समय यही है। निर्धारित समय आ गया है, निर्धारित समय आ गया है। तेरे सेवक उसके पत्थरों को प्यार करते, तेरे सेवक उसके पत्थरों को प्यार करते हैं, और उसके खंडहरों पर तरस खाते हैं, और उसके खंडहरों पर तरस खाते हैं। राष्ट्र प्रभु के नाम पर श्रद्धा रखेंगे, राष्ट्र प्रभु के नाम पर श्रद्धा रखेंगे। पृथ्वी के सभी राजा उसकी महिमा का समादर करेंगे, पृथ्वी के सभी राजा उसकी महिमा का समादर करेंगे। क्योंकि प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा, क्योंकि प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा, और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी विनती का तिरस्कार नहीं करेगा, वह उनकी विनती का तिरस्कार नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए, आने वाली पीढ़ी के लिए लिखा जाए, जिससे भावी संतति प्रभु की स्तुति करे, जिससे भावी संतति प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने ऊंचे पवित्र स्थान से झुक कर देखा, प्रभु ने ऊंचे पवित्र स्थान से झुक कर देखा, उसने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, उसने स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई। जिससे वह बंदियों की कराह सुने, जिससे वह बंदियों की कराह सुने, और प्राण दंड पाने वालों को मुक्त करे, और प्राण दंड पाने वालों को मुक्त करे। जब सभी प्रजातियां और राज्य, जब सभी प्रजातियां और राज्य प्रभु की सेवा करने के लिए एकत्र हो जाएंगे, प्रभु की सेवा करने के लिए एकत्र हो जाएंगे, तब सियोन में प्रभु के नाम की घोषणा, तब सियोन में प्रभु के नाम की घोषणा, और यरूशलेम में उसकी स्तुति होती रहेगी, और यरूशलेम में उसकी स्तुति होती रहेगी। जीवन के मध्यकाल में उसने मेरी शक्ति छीन कर दी थी, जीवन के मध्यकाल में उसने मेरी शक्ति छीन कर दी थी, उसने मेरे दिन घटाकर कम कर दिए, उसने मेरे दिन घटाकर कम कर दिए। मैंने कहा मेरे ईश्वर, मैंने कहा मेरे ईश्वर, जब तक मेरे दिन पूरे नहीं होंगे, जब तक मेरे दिन पूरे नहीं होंगे, तू मुझे यहाँ से उठाना नहीं, तू मुझे यहाँ से उठाना नहीं। तेरे वर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, तेरे वर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। तूने प्राचीन काल में पृथ्वी की नींव डाली, तूने प्राचीन काल में पृथ्वी की नींव डाली। आकाश तेरे हाथों की कृति है, आकाश तेरे हाथों की कृति है, वे नष्ट हो जाएंगे, वे नष्ट हो जाएंगे, तू बना रहेगा, तू बना रहेगा। वे वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे, वे वस्त्र की तरह पुराने हो जाएंगे, तू परिधान की तरह उन्हें बदल देगा, तू परिधान की तरह उन्हें बदल देगा, और वे फेंक दिए जाएंगे, और वे फेंक दिए जाएंगे। किंतु तू एक रूप रहता है, किंतु तू एक रूप रहता है, तेरे वर्षों का अंत नहीं है, तेरे वर्षों का अंत नहीं है।
तेरे सेवकों की संतति सुरक्षा में निवास करेगी और उसका वंश तेरे सामने बना रहेगा हालेलुया 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 हे प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए हालेलुया हे प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे परिवार को स्पर्श कीजिए हालेलुया हालेलुया दोनों हाथों को खुला छोड़े पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे जिससे कि हम आज का ये वचन जो प्रभु हमसे बातें करने वाले हैं हम उसे समझ सकें पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू पाक यीशु के करीब ले जा तू यीशु के करीब ले जा तू बड़ी भक्ति के साथ यीशु के करीब ले जा तू ईमान में बढ़ा जीना सिखा ईमान में बढ़ा जीना सिखा सच्चाई की राहों पर चलना सिखा सच्चाई की राहों पर चलना सिखा पाप रूह यीशु के करीब ले जा तू सच्चाई की राहों पर चलना सिखा सच्चाई की राहों पर चलना सिखा पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू पाक यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा तब मैं यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा तब मैं यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा तब मैं यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा तब मैं गले से लगाएगा वो पोंछ देगा मेरे गले से लगाएगा
सच्चाई की राहों पर चलना सिखा, सच्चाई की राहों पर चलना सिखा। पाकरू पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास सुन रहा है। आज के वचन, आज के वचन मेरे जीवन के लिए हैं, मेरे जीवन के लिए, उद्धार के लिए हैं, उद्धार के लिए, मेरे परिवार के लिए हैं, मेरे परिवार के लिए, मेरे मन परिवर्तन के लिए हैं, मेरे मन परिवर्तन, मेरी चंगाई के लिए हैं, मेरी चंगाई, मेरी सांत्वना के लिए हैं, मेरी सांत्वना के लिए। इन वचनों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा मैं और मेरा घर, मैं और मेरा घर उद्धार पाए, उद्धार पाए। आपकी आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज इंसान बहुत ही ज्यादा दुखी है, अनेक कष्टों से होकर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वो गुजरता है। जिधर देखो, जिस किसी से पूछो, वो अपने दुख को बयां करता है। कुछ लोग संपूर्ण रूप से अपने दुख को बयां करने में समर्थ हैं, तो कुछ लोग अंदर ही अंदर अपने दुख को रखे रहते हैं और घुट घुट कर जिंदगी व्यतीत करते हैं। कुछ लोग आजाद हैं, परंतु कुछ लोग अपने ही अपराध बोध के कारण बंदी हैं। जिधर देखो उधर दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट सा नजर आता है। और मैंने आपसे कई मर्तबा ये कहा कि हमारे दुखों का कारण सांसारिक वस्तुओं पर हमारी आसक्ति है। टू मच ऑफ अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। बहुत सारी अपेक्षाएं जो हम लोगों से रखते हैं, उसकी वजह से हमें दुख सहन करना पड़ता है या मिलता है। या फिर हम दुख कब सहते हैं, जब हम किसी के उद्धार के लिए आत्मत्याग करते हैं और उस दुख से गुजरते हैं। तो प्रभु की दया, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे दुखों में ही हमें प्रतीत होती है, दिखती है। उसकी करुणा, उसकी कृपा हमारे दुखों में नजर आती है और हम उसे देखते हैं। तो यीशु ने अपार दुख सहा, बाइबल हमें बताती है। गतसमनी बाग में जब उन्होंने औंधे मुंह होकर प्रार्थना की, घुटनों पर आकर हाथों को उठाकर उन्होंने अपना पसीना खून के रूप में बहाया, आग्रह के साथ उन्होंने प्रार्थना की, और बाइबल कहती है कि एक स्वर्गदूत वहां पर उनके सामने हाजिर हुआ और उनको सांत्वना देने लगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, जितना ज्यादा दुख आया, उतनी ही ज्यादा महिमा और आशीष यीशु के जीवन में आई। जितना ज्यादा दुख से होकर हम गुजरते हैं और जब वो दुख समाप्त हो जाता है, उतनी ही ज्यादा खुशी हमें महसूस होती है। अब जिसने दुख नहीं देखा, आनंद क्या होता है, उसे इसकी अनुभूति नहीं हो सकती। जो दुखों से गुजरा है, जो कष्टों से गुजरा है, जब उसे आनंद का अनुभव होता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो अनुभूति एक विशेष अनुभूति है। वो आनंद जिसे वो महसूस करता है, उसके लिए प्यारे भाइयों और बहनों,
करोड़ों रुपए की कीमत देकर भी वो खरीदा नहीं जा सकता है। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही है कि हमारे जीवन में हम कष्टों से होकर गुजरते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि आपके जीवन में कई ऐसे क्षण आए होंगे, कई ऐसे आयाम से आप गुजरे होंगे जहां पर आपके जीवन में एक के बाद एक कष्ट आया होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि ये साल हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये साल में हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर से इंसान एक नई शुरुआत करने की कोशिश करता है। तो प्रियजनों, प्रभु का वचन आज आपको सांत्वना के रूप में यह कहना चाहता है कि आप कभी भी निराश मत होइए, कभी भी निराश मत होना, क्योंकि निराश होने से तेरा नाश है। कभी भी हिम्मत नहीं हारना और यह नहीं कहना कि सब कुछ समाप्त हो गया है। जहां से आप कहते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया है, याद रखना उसी पॉइंट पर आपके नए जीवन का रास्ता जो है वो ठहरा हुआ है। वहीं से आपके नए जीवन की शुरुआत संभव हो सकती है और वो हो जाएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में जैसा मैंने कहा कि कष्ट, दुख या फिर सुख, ये सिक्के के दो पहलुओं के जैसे हैं, क्योंकि इंसान का जीवन स्थिर नहीं है। उसके अंदर अच्छाई है, बुराई है, भलाई है, पाप है, पुण्य है, वो सारे काम करता है। झूठ भी बोलता है, सत्य भी बोलता है, पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, अच्छाई भी करता है, बुराई भी करता है। तो ये इंसान की फितरत है और इसी की वजह से उसके जीवन में वो कष्टों और सुखों दोनों के लिए जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि केवल वो सुखों के लिए जिम्मेदार है, वो दोनों के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि यदि आप अच्छाई बोएंगे तो अच्छाई मिलेगी, बुराई बोएंगे तो बुराई मिलेगी। अब निर्भर आपके ऊपर करता है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई दोनों रखता हूं, जिंदगी और मौत तेरे सामने मैं दोनों को रखता हूं। चुनना तेरे ऊपर है कि तू क्या चुनना चाहता है, तू क्या चाहता है, बुराई अथवा भलाई, जीवन अथवा मृत्यु। अगर तू मेरी बातों को मानेगा, उन पर चलेगा, विधियों को मानेगा, आदेशों का पालन करेगा, तो सारे वरदान तेरी झोली में पड़े रहेंगे और बरकतें तेरे जीवन के ऊपर आई रहेंगी। लेकिन अगर तू नहीं मानेगा, अगर तू मेरी बातों को नहीं सुनेगा, उसके अनुसार जीवन नहीं जिएगा, तो ये सारी विपत्तियां तुझ पर आन पड़ेंगी। और बीमारियों के विषय में हम पढ़ते हैं अध्याय 28 विधि विवरण ग्रंथ पद संख्या 14 और उससे आगे कि प्रभु कहता है तुझ पर ये सारी बीमारियां, टीबी की बीमारी, सूजन की बीमारी, ज्वर की बीमारी, ताप की बीमारी, बवासीर की बीमारी और अनेक प्रकार की बीमारियां बाइबल में प्यारे भाइयों और बहनों मेंशन है, जहां पर आपको पता लगेगा कि परमेश्वर ये कहता है कि अगर तू मेरी बातों को नहीं मानता, उन पर नहीं चलता, उनके अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करता, तो तेरे जीवन में ये सारे कष्ट आन पड़ेंगे। लेकिन अगर तू धर्मशास्त्र की बातों का पालन करेगा, उनके अनुसार जीवन बिताएगा, तो तेरे जीवन में आशीर्वाद आएगा, तेरे परिवार में आशीर्वाद आएगा, परमेश्वर नगर में तेरा कल्याण करेगा, देहात में तेरा कल्याण होगा, तेरी आटा गूंदने की परात को परमेश्वर आशीर्वाद देगा, तेरे घर को, तेरे माल डंगर को और तेरी गाय बैल और पशुओं के बच्चों को भी कहता है ईश्वर आशीर्वाद देगा। अगर आप धर्म शास्त्र के नियमों का, आदेशों का यदि आप पालन करेंगे, उस सच्चे ईश्वर की यदि आप आराधना करेंगे, तो वो आपको इन दुखों में भी संभालेगा, कष्टों के समय में भी आपको संभालेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपके आगे चलेगा, क्योंकि उस परमेश्वर ने आपको अपनी हथेलियों पर गढ़ा, आपका नाम उसने अपनी हथेली पर लिखा है, एक एक का नाम उसने अपनी हथेली पर लिखा है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जैसा दूसरा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। करोड़ों अरबों की संख्या में लोग हैं इस दुनिया में, और आप आश्चर्यचकित होंगे
और होना भी चाहिए कि आपके हाथ की रेखाएं दूसरे व्यक्ति के हाथ की रेखाओं से नहीं मिलती हैं। और इंसान ने आज थोड़ी सी तरक्की कर ली तो वो सोचता है, प्यारे भाइयों और बहनों, पूरी जिंदगी को उसने हासिल कर लिया है। पूरी कायनात पर इंसान सोचता है कि उसने कब्जा कर लिया है, सब कुछ उसका है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि आखिर यह सब कुछ मेरा है, तुम्हारा है क्या? यह सब कुछ परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें दिया है, मैंने तुम्हारे लिए सृजित किया है। इसलिए मेरे और आपके लिए निहायती जरूरी बात यह है कि हम उसकी हजूरी में आकर उसका धन्यवाद करें और दुख में, कष्ट में आनंद मनाएं, और वो आनंद प्यारे भाइयों और बहनों हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस दुनिया में यीशु मसीह के जैसा कोई भी इंसान आज तक ना तो हुआ और ना ही होगा, क्योंकि यीशु मसीह सदा एक रूप रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते, उनका प्रेम कभी नहीं बदलता। उन्होंने ना केवल आपके लिए अपना प्राण निछावर किया, बल्कि पूरी कायनात के लिए, पूरी सृष्टि के लिए, सारी मानव जाति के लिए अपना प्राण निछावर करके उन्होंने आपके लिए एक आदर्श रखा। सुनिए, उन्होंने यह काम कैसे किया। इब्रानियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं कि मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर, आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। उस प्रभु यीशु की जिसकी हम आराधना करते हैं, बाइबल हमें बताती है कि वो ईश्वर का पुत्र था। ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद उन्होंने दुख सहा, उन्होंने सूली उठाई, अपने हाथों में उन्होंने कील ठुकवाई, अपने पैरों में कील ठुकवाई, अपनी बगल को उन्होंने बर्छी से छिदा दिया, जिससे कि मैं और आप प्यारे भाइयों और बहनों मुक्ति प्राप्त करें। और उसने दुखों में भी प्यारे भाइयों और बहनों कैसे जीना है, कैसे ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, ये मानव जाति को सिखाया। और वो यीशु मसीह ये कहता है कि अपने मित्रों के लिए प्राण अर्पित करने से बड़ा किसी दूसरे का प्रेम नहीं है। लेकिन हमारी दुनिया में क्या होता है, एक मित्र दूसरे मित्र के ही सीने में छुरा घोंप देता है, एक भाई दूसरे भाई के सीने में ही छुरा घोंप देता है, लालच के कारण, घमंड के कारण, ईर्ष्या के कारण, अहंकार के कारण, संपत्ति में के कारण, पारिवारिक बपौती जो उसे प्राप्त हुई है उसमें जो विवाद है उसके अनुसार इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है, इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब का सब कुछ नष्ट हो गया था, उसके शरीर पर फोड़े निकल आए थे, भयंकर यंत्रणा वो सह रहा था। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि फिर भी उसने ईश्वर पर दोष नहीं लगाया। आज इंसान के जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा सा उसका काम बिगड़ जाता है तो भगवान को कोसने लगता है, ईश्वर को कोसने लगता है कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मेरे ही जीवन में कष्ट क्यों है, क्यों मेरा भाग्य ऐसा क्यों नहीं है, मेरा भाग्य ऐसा क्यों है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण दुख भोग रहे हो। ईश्वर नहीं चाहता कि आप दुख भोगें। इंसान अपनी ही गलतियों के कारण दुख भोगता है, अपने ही कुकर्मों के कारण बीमार पड़े हुए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से नहीं। आप अपने आप से पूछिए प्यारे भाइयों और बहनों कि हमारे जीवन में कमी कहां पर है। अपने आप को धर्मशास्त्र के साथ तुलना करके देखिए, धर्मशास्त्र को अपने सामने रखिए आईने के समान और अपना चेहरा उसमें देखने की कोशिश करें।
अपने चरित्र को अगर क्रॉस चेक करना है, मैं बार बार यही कहता हूं, तो बाइबल खोल के अपने सामने रखिए और उसके अनुसार अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपनी बोली को, अपनी धार्मिकता को, अपने दान पुण्य के कामों को आप उसके साथ क्रॉस चेक करें, आप उसके साथ परखें, क्योंकि प्रभु तो चुनौती देता है, तुम्हें विश्वास नहीं है, कहता आओ और परख कर देख लो, आओ और परख कर देख लो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रभु इतना भी कहता है कि तुम आओ और परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। और अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं प्रियजनों कि अय्यूब ने कभी शिकायत नहीं की, शैतान ने उसको परखा, उसे प्रलोभन दिया, लेकिन वो ईश्वर के प्रति ईमानदार रहा। आज कितने लोग हैं जो ईश्वर के प्रति ईमानदार हैं? मैं समझता हूं कि ईश्वर के प्रति ईमानदारी की बात तो दूर, इंसान खुद से भी वफादार नहीं है, इंसान खुद से ईमानदार नहीं है, वो खुद से अपने आप को धोखा देता है, इंसान अपनी ही बातों से खुद को धोखा देता है और ईमानदारी अपने ही साथ नहीं बरतता, इंसान अपने ही घर में ईमानदार नहीं है, वो झूठ बोलता है, परिवार वालों को अधिकांशतः धोखा देता है, दंपति पति और पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं जब वो गलत रिश्तों में व्यभिचार में रहते हैं, जब वो एक दूसरे से अपनी बातों को छिपाते हैं। आज प्यारे भाइयों और बहनों, इस पूरी दुनिया में धोखे का पर्दा पड़ा हुआ है, एक दूसरे को मारने काटने अत्याचार करने गिराने स्वार्थपरता का पर्दा लोगों की आंखों पर पड़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इंसान परमेश्वर से वफादारी तो दूर, वो खुद से ईमानदार नहीं है, खुद से वफादार नहीं है, अपने परिवार से वफादार नहीं है, बच्चों के साथ वफादार नहीं है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है, एक बाप होने की जिम्मेदारी वो निभाने में असमर्थ है। अधिकांशतः माताएं अपनी मां या अपने मातृत्व की जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ हैं। पर याद रखिए, ऐसा क्यों है? संत पौलुस कहता है, जान लीजिए ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं, वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ आप लोग उठाएं, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वर्तमान समय का लाभ आप लोग उठाएं। तो हमारे जीवन में कुछ कष्ट परमेश्वर की ओर से आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि बाइबल में बताती है कि जब एक व्यक्ति से पूछा गया, प्रभु की परीक्षा लेते हुए उन्होंने पूछा कि आप प्रभु गुरुवर ये बताइए कि इस बच्चे के जीवन में ये अंधापन क्यों है, क्या ये बचपन से अंधा है, या इसके माता ने पाप किया है, पिता ने पाप किया, या इस बच्चे ने पाप किया है? तो प्रभु यीशु ने जवाब दिया कि ये बीमारी इसके घर में इसलिए आई है ताकि ईश्वर की महिमा इसके घर में प्रकट हो जाए, ये चंगा हो जाए, इसलिए इसके घर में ये बीमारी आई है। तो प्रभु ये कहता है कि मैं तेरी परख करता हूं, किसमें? दुख की भट्टी में, आग की भट्टी में मैं तेरी परख नहीं करता हूं। तो परमेश्वर ये कहता है कि मैंने तुझसे क्रोध के आवेश में, गुस्से के कारण मैंने अपना दाहिना हाथ जो सामर्थ्यवान है उसको पीछे खींच लिया था और मैंने इनके जीवन में दुख आने दिया। मैं देखना चाहता था कि मेरी अपनी प्रजा, मेरी चुनी हुई प्रजा क्या मेरे पास वापस लौटकर आती है या नहीं आती है। तो प्रियजनों, हर दुख ईश्वर की ओर से नहीं है, यह भी याद रखिएगा, हर दुख ईश्वर की ओर से नहीं आता। हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर व्यक्ति धर्मी है, दान पुण्य करता है, उसके बच्चे अच्छा जीवन बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, और इसके बावजूद यदि आपके जीवन में दुख आता है तो समझ लेना परमेश्वर आपके विश्वास की परख करने के लिए आपके जीवन में उस दुख को आने देता है ताकि आप और ज्यादा विश्वास में दृढ़ बनते जाएं। अय्यूब के जैसे वो आपके जीवन की परख करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है धर्मी
सदा संकटों में घिरा रहता है, लेकिन परमेश्वर उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग जब मुझे फोन करते हैं तो उनकी बातें होती हैं, कहते हैं फादर जी हमने तो उपवास किया, प्रार्थना किया, ना जाने क्या हो गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए प्रार्थना करते, ये दुख हमारे जीवन से नहीं जाता। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करना और प्रभु को समर्पित करना, क्योंकि हो सकता है इस दुख की भट्टी में परमेश्वर आपके विश्वास की परख कर रहा हो। क्योंकि बाइबल में कहती है, बताती है स्त्रोत संख्या 119 पद संख्या 50, यह विपत्ति में मेरी सांत्वना है क्योंकि तेरी दया मुझे नवजीवन प्रदान करती है। तो दुख के समय मेरे और आपके जीवन में जो दया हमारे ऊपर दिखाई जाती है वो मेरे और आपके लिए सांत्वना है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपकी कृपा, आपकी कृपा मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के पर्याप्त है, पर्याप्त है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 2020 दिसंबर से लगभग कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी और उसके बाद मार्च अप्रैल में लॉकडाउन शुरू हो गया और उस समय से सब लोगों ने अपने आप को घर में बंद कर लिया। शुरू के कुछ दिन तो बहुत अच्छे थे, लोगों के पास सब कुछ था खाने के लिए। जब चीज़ें खत्म होने लगी और लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी, बहुत सारे ऐसे जगह थी जहाँ पर लोग इतनी छोटी सी जगह में रहते थे कि एक ही घर में 8-8 लोग, 7-7 लोग एक ही कमरे में रहते थे और किस तरह से जीवन उन दिनों में गुजर रहा था, जिंदगी और मौत का पता नहीं था। कोरोना के वायरस और महामारी का, प्यारे भाइयों और बहनों, जो उस वक्त कहर जो ढाया जा रहा था वो अपने आप में ऐसा लगता था जैसे कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। और उन दिनों में लोगों ने प्रभु की ओर अपने आप को अभिमुख किया। उन दिनों तमाम लोग अपने घरों में प्रभु की ओर मुड़ गए। जिंदगी इतनी प्यारी लगने लगी, हसीन लगने लगी और मौत से इतना डर लगने लगा कि हर व्यक्ति अपने घर में बाइबल खोल के पाठ करने लगा, अपने ईश्वर को याद करने लगा, धूप अगरबत्ती चढ़ाकर ईश्वर को खुश करने की कोशिश करने लगा। पर जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है, मुझे तुम्हारे यज्ञ और बलिदान और धूप और चढ़ावे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा दीनहीन पश्चातापी हृदय चाहिए, मुझे तुम्हारी विनम्रता चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, महामारी के इन दिनों में इंसान ऐसी त्रासदी से गुजरा कि उसको अपने जीवन का ठिकाना तक पता नहीं था और वो परमेश्वर की ओर मुड़ा। परमेश्वर ने इस महामारी को ना केवल हमारे देश में पर पूरी दुनिया में आने दिया ये बताने के लिए कि मैं अभी भी एक रूप रहता हूं, मैं बदला नहीं हूं, आदि में हूं, अंत में हूं, अल्फा में हूं, ओमेगा में हूं, मेरी मर्जी के बिना इस संसार में, इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ओ इंसान, ओ मिट्टी के पुतले, ओ चलते फिरते मिट्टी के पुतले, तू जान ले कि मैं अभी भी स्वर्ग पर विराजमान हूँ, मेरी आँखें सब कुछ देखती हैं, देख मैंने तेरा घमंड चूर करने के लिए ये महामारी का कहर तुझ पर ढाया और तुझे अपने चरणों पर आने के लिए मैंने मजबूर किया, जिससे कि तू जान ले, जिससे कि तू जान ले यहोवा परमेश्वर इस पूरी दुनिया का सृष्टि करता है और यहोवा परमेश्वर राज्य करता है। वो अपनी प्रतिज्ञाओं का धनी है, वो अपने वादों का सच्चा है, वो जो कहता है वो करता है। उसके क्रोध जब भड़क उठता है, प्यारे भाइयों और बहनों, तो सुनामी जैसे तूफान उठते हैं, भूकंप होने लगते हैं और इंसान कहीं का नहीं रहता है, इंसान कहीं का नहीं रहता है। इंसान अपने
तरक्की पर गर्व करता है, जानते हैं? इंसान अपनी तरक्की पर गर्व करता है, तकनीक पर गर्व करता है, लेकिन आप जान लीजिए कि खुद को बचाने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई और इंसान ऑक्सीजन को उपलब्ध नहीं करा पाया, जिसकी वजह से बहुत सारे जाने चली गई। यह है हमारे जीवन की क्षणभंगुरता, यह है हमारे लाइफ की शॉर्टनेस, प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। बट आई डू नॉट नो व्हाई डोंट द पीपल अंडरस्टैंड। लोग क्यों नहीं समझते हैं? क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए? क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को मारने काटने, उस पर अत्याचार करने के लिए लगे पड़े हैं? क्यों सांप्रदायिकता फैलाने के लिए लगे हुए हैं? यहां तक कि उसे यह मालूम है कि उसका जीवन बहुत छोटा है। बाइबल कहती है कि आपका और मेरा जीवन घास के फूल के जैसा है, जो सुबह को खिलती है, दोपहर को सूरज का ताप लगने से मुरझा जाती है, और क्या होती है, वो सूख जाती है, और किसान क्या करता है, उठाकर उसे आग के हवाले कर देता, वो भस्म हो जाती है, राख हो जाती है। जी, इंसान का जीवन भी ऐसा ही है, इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। तो प्रभु से आज ये प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मुझे जीवन की क्षणभंगुरता सिखा। मेरे जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां हैं, मैं उन सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। अच्छाई के लिए, बुराई के लिए, दुख के लिए, कष्ट के लिए, कमजोरी के लिए, मम्मी पापा के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, बच्चों के लिए, धर्माधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, शासकों प्रशासकों के लिए, इन तमाम लोगों के लिए, इनकी कमजोरियों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। क्योंकि संत पौलुस ये कहता है, जब हम दुर्बल हैं तब हम बलवान हैं। यदि सब लोग बलवान होते, पहलवान होते, तो कोई इनकी इबादत करता, कोई मंदिर जाता, कोई माथा टेकता, कोई दान पुण्य करता, कोई आपको पूछता? कोई नहीं पूछता, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए परमेश्वर ने हर व्यक्ति को उसकी सोच, उसकी समझ के अनुसार उसे वरदान दिया है। जिसके पास जितना बल है, उन गुणों को बना के रखने का, परमेश्वर ने उसको उतना ही दिया है। जिसकी झोली जितनी बड़ी है, उसमें उतना ही समाता है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह अगर लेना है, तो आप आत्मत्याग करना, आप उसके सामने आकर घुटना टेकना, मंदिर में प्रार्थना करना, लेकिन आपकी प्रार्थना जो है, उसका साक्षात्कार जो है, वो बाहर जाकर, मंदिर के बाहर जाकर लोगों के बीच में होना चाहिए। आपकी इबादत जो आप मंदिर में करते, चर्च में करते, गिरजाघर में करते हैं, वो प्यारे भाइयों और बहनों एग्जीक्यूट होनी चाहिए बाहर समाज में। जब आप अपने भाई से मिलते हैं, अपनी बहन से मिलते हैं, किसी भिखारी से मिलते हैं, या किसी को आपकी ज़रूरत है, जब आप उसके साथ आप बातचीत करते हैं, तो आपकी प्रार्थना उनके जीवन में काम आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, कथनी और करनी, इन दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। आज इंसान की कथनी और करनी में फर्क है, इसीलिए उनके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, चिंता है। अगर दोनों में समानता हो जाए, इंसान अगर अपने आप से ईमानदारी बरते, वफादार रहे, प्रियजनों, तो उसके जीवन में आशीष आएगी, शांति आएगी। और आप, प्रभु का वचन कहता है, जो थोड़े समय तक कष्ट सहना पड़ रहा है, इसकी चिंता ना करें आप लोग। जो थोड़े समय तक आपको कष्ट सहना पड़ रहा है, इसलिए आप चिंता ना करो, ताकि आपका विश्वास खरा उतरे। इसलिए पेत्रुस को लिखते हुए संत पौलुस पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 6 में कहता है कि ये तुम्हारा विश्वास खरा निकले, तुम दृढ़ हो जाओ, इसलिए ये कष्ट तुम्हारे जीवन में मैंने आने दिए हैं। तो संत पौलुस रोमियो को लिखता है अध्याय 8 पद संख्या 18 में कि मैं समझता हूं कि जो महिमा प्रकट होने वाली है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे,
रोमियो का पत्र अध्याय आठ पद संख्या अठारह प्रभु का वचन कहता है मैं समझता हूँ कि जो महिमा प्रकट होने वाली है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय एक पद संख्या दो से चार हालेलुया। जब आप लोगों को दुख का सामना करना पड़े तो चिंता ना करें निराश ना हो हर दुख तकलीफ में प्रभु के सामर्थ के साथ आगे बढ़ते जाएं हालेलुया। प्रभु कहता है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 10 मैंने तुमको शुद्ध किया विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है हे ईश्वर तूने हमारी परीक्षा ली चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया हालेलुया। तो इसलिए प्रियजनों, जब राहों में कांटे आ जाएं तो रुकना नहीं, चलते जाना, वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। दुख आ जाए तो स्टॉप नहीं होना चाहिए। आप याद करें एडिसन को, जिसने बल्ब का निर्माण किया। उसने कितनी बार, प्यारे भाइयों और बहनों, उसका एक्सपेरिमेंट किया और लगभग 50 से ऊपर बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे इसमें सफलता मिली। इसलिए मैंने कहा, जहां से आप सोचते हैं कि समाप्त हो गया है, आपकी असली जिंदगी की शुरुआत वहीं से होती है। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके इन दुखों में और कष्टों में, प्यारे भाइयों और बहनों, बना रहे। हम आपके लिए प्रभु की ओर से सांत्वना भरा ये गीत गाएंगे, राहों में कांटे अगर हों, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। आज आप में से जितने भी लोग निराश हैं, प्रियजनों विश्वास करना, जो बेड रिडन है, लकवे से पीड़ित हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, बवासीर की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, इन्फेक्शंस के, शरीर के इन्फेक्शंस, गुर्दे के, लीवर के इन्फेक्शंस, यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से चंगे हो जाएं। अगर हूँ रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ,
बिना नहीं चल जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। तो प्रियजनों, अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, अगर आप सच्चे मसीह हैं, तो याद रखिए कि सच्चे मसीह को आत्म त्याग करना अति आवश्यक है, अपना क्रूस उठाकर चलना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, तो ज्ञान जो है, स्वतंत्रता जो है, महिमा जो है, ना तो वो क्रूस के आगे है, ना वो क्रूस के पीछे है, ना ही वो क्रूस के नीचे है और ना ही वो क्रूस के ऊपर, बल्कि वो क्रूस में पाई जाती है। महिमा क्रूस में है, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, परंतु हमारी जो सैंक्टिफिकेशन है, पवित्रता है, जो हमारा परमेश्वर की जो महिमा है, जो हमारे जीवन में प्रकट हुई है, वो क्रूस में निहित है। इसलिए इन दुखों से होकर मुझे और आपको गुजरना अनिवार्य है, क्योंकि क्रूस हमारे जिंदगी में परिवर्तन की शुरुआत करता है और उसने की हमारा उद्धार किया। उसी क्रूस के द्वारा मैंने और आपने महिमा को अनुभव किया। उसी क्रूस के द्वारा आज मैं और आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं। वो क्रूस जो पाप का निशान था, जिसके ऊपर गुनाहगारों को लटकाया जाता था, वो मौत की निशानी थी, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उसे जिंदगी का निशान बना दिया। इसलिए मैंने कहा कि महिमा और जीवन और हमारी भलाई उस क्रूस के अंदर है, उस क्रूस में है। इसलिए उसको हमें गले लगाना, जीवन में धारण करना और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना है। आइए हम प्रार्थना करें। दुखों में महिमा छाई हुई है, ये प्रभु ने आज हमें समझाया है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित करें और हम उसकी हजूरी में बढ़ते जाएं। आइए हम सब खड़े हो जाएं। इस वक्त हम चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, सारा बंधन टूटे यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। जो भी यहाँ से अनॉइंटिंग डिक्लेयर की जाती है, लेट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू रिसीव द अनॉइंटिंग। जो भी प्यारे भाइयों और बहनों चंगाई के विषय में यहाँ से बोला जाता है, आप उसे ग्रहण करें। और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको अभी और इसी वक्त चंगा करेगा, आपके बंधन टूटेंगे, यीशु की महिमा आपके जीवन में छाएगी। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, सूखी बंजर दिलों की धरती, रूह अपनी से सींचो।
बरसा, चम चमी 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 बरसा, के भेज अमर रूपा, भेज अमर रूपा, हाँ, भेज अमर रूपा, भेज अमर रूपा, चम चमी बरसा फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था, मालिक ना बताए, उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था, उस रूह का मजा चखा, 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 चमचमी बरसा, 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 भेज अमर रूपा, भेज अमर रूपा, हाँ, भेज अमर रूपा, भेज अमर रूपा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, दोनों हाथों को उठाएं, प्रभु की स्तुति करें ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, हालेलुया 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 हालेलुया, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, फ्रेश अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया
hallelujah, 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 hallelujah. Mighty power, mighty anointing, mighty healings and deliverance. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesu, 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 Yesu. Yesu ke ati shaktishali naam par isi samay har bandhan khul jaye, rogiyon ko changai mile, changai, 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 changai. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सीने से लगाते हुए चंगा कर दे मुझे चंगा कर दे हालेलुया हालेलुया आशीष दे दे तेरी आशीष दे दे हालेलुया हालेलुया शुद्ध कर अभिषेक दे दे मुझे अभिषेक दे हालेलुया हालेलुया पावन हाथों से तू मुझे छू ले हालेलुया हालेलुया मेरे घर का प्रभु आशीष दे दे हालेलुया हालेलुया वैवाहिक जीवन को प्रभु आशीष दे दे हालेलुया हालेलुया निसंतानता के तू बंधन से प्रभु यूरिन के इन्फेक्शन से चंगाई दे रहे हैं रिसीव करना प्यारे भाई प्यारी बहन कोई है जिसे प्रभु भगंदर के रोग से चंगा कर रहे हैं प्रभु आपको अपने पवित्र लहू से मसा करें और इस वक्त आप चंगे हो जाएं प्रभु का पवित्र लहू आपकी नसों में बहने लगे आपको शुद्ध करे पवित्र करे हालेलुया हालेलुया इस वक्त अपने जीवन से बहुत ज़्यादा निराश है प्रभु आपको सांत्वना देते हैं कहते हैं मेरे बेटे मेरी बेटी निराश मत हो निराश होने से तेरा नाश है मैं तेरे साथ हूँ जैसे मैं मूसा के साथ था जैसे मैं अपने नबियों के साथ था जैसे मैं दाऊद के साथ रहा दानियल के साथ रहा मैं तेरे साथ भी हूँ तू क्यों चिंता करता है मैं तेरी चिंता करता हूँ प्यारे भाई प्यारी बहन अपने जीवन से अपने दिमाग से आत्महत्या का विचार निकाल दे प्रभु तुझ पर दया करेगा हालेलुया 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 दुष्ट
आत्मा के बंधन इस वक्त प्रभु की आग से जल जाएं और जल के राख हो जाएं, टूटे 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 राइट नाउ आई क्लेम द हैंडलिव डिलीवरेंस एंड हीलिंग। रूकी आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, जैसे चेलों के ऊपर पेंतेकोस्त के दिन वो आग उतरे, आप लोगों पर उतरे और शुद्ध करे यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। Healed in the name of Jesus. Amen. यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से रूह का मस्सा उतरे। दुष्ट आत्मा का बुखार का बवासीर का भगंदर का लीवर की बीमारी का हृदय के रोग का लकवे के बंधन का लाइलाज बीमारियों का शुगर का बंधन इस वक्त टूटे। पेट के इन्फेक्शन का बंधन टूटे। ब्रेन ट्यूमर का निराशा का बंधन टूटे। डिप्रेशन का बंधन टूटे। डिमेंशिया का बंधन टूटे यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से। हर प्रकार के आर्थिक तंगियों के बंधन टूटे और सभी पाप श्राप बंधन जल के राख हो जाए, राख हो जाए, राख हो जाए, राख हो जाए, राख हो जाए। Fire, fire, fire of the Holy Ghost in the name of Jesus. Amen. Sharma Bakundalosh. Very, 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 जल के राख हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से आदेश देता हूँ, ऐ गंदी बदरू हो, ऐ गंदी बदरू हो, तंत्र मंत्र जादू टोने आकाश की दुष्ट आत्मा, प्रलोभनकारी दुष्ट आत्मा, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रभु के इन बच्चों के शरीरों को छोड़ और निकल निकल यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से। रूह का मसा उतरे, मसा उतरे, मसा उतरे। हीलिंग, हीलिंग एंड डिलीवरेंस, हीलिंग एंड डिलीवरेंस, हीलिंग एंड डिलीवरेंस, हीलिंग एंड डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस, हीलिंग एंड डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से। छुटकारा यीशु के पवित्र नाम से। छुटकारा यीशु के पवित्र सामर्थ्य लहू से। यीशु के पवित्र समर समर बोल बोल कर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। दोनों हाथों को उठाते हुए पर आ जाए सर्वस्व भी ले तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्व होते जाए तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। सर्वस्व भी
सर्वस्व भी प्यारी बहन, इस वक्त जो बीमार हैं, जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आपके परिवार में यदि कोई बीमार है तो इस वक्त घुटना टेक कर हाथों को उठाएं और प्रभु से दया की भीख मांगें, प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, याद कर तू जो तेरे पास आया, तूने खाली हाथ नहीं लौटाया। अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, पापियों को क्षमा प्रदान की, दुखियों को दिलासा दी, रोगियों को प्रभु तूने चंगा किया। आज तेरी इस वेदी के सामने जितने भी लोग उठना टेके हुए हैं, इन पर दया कर दे, और इस YouTube चैनल पर जितने भी लोग इस वक्त एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी प्रार्थनाओं को कबूल कर। जितने लोग इस वक्त चैट में अपने निवेदन भेज रहे हैं, इनके जीवन से, इनके परिवार से हर एक बंधन टूटे, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियां, पाप श्राप बंधन, रोग बीमारी दूर हो जाए, और प्रभु ये तेरी महिमा करने लग जाए। तू अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है, हे प्रभु यीशु, आज तेरे दास के द्वारा जो तूने चंगाइयां अनाउंस की हैं, ये पूरी हो जाए, तेरे इन बच्चों के जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हे प्रभु, ये तेरी महिमा करने वाले बन सके, हृदय मन और आत्मा की शुद्धता, शरीर की पवित्रता इन्हें प्रदान कर, इनके आटा गूंदने की परात को आशीष दे, इनके माल डंगर खेती बाड़ी, इनकी मेहनत मजदूरी, इनके दफ्तरों पर, जिस जगह पर ये काम करते हैं, तेरी रूह का मसा छाए, उस जगह पर अधिकार ले, उन दफ्तरों पर अधिकार ले, जहाँ पर इनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, उन अधिकारियों पर अधिकार ले जिनके द्वारा इनके काम पूरे होने वाले हैं। हे प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, इनके जीवन में जो रुके हुए काम हैं वो पूरे हो जाएं, इन्हें चंगाई प्रदान कर, उन्नति दे, आत्मिक उन्नति और शांति प्रदान कर। आज की रात्रि तेरे स्वर्गदूत इनके घर पर पहरा दे, हमारी प्रार्थना सुन ले, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो,
सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सर झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार तालियां बजाएं प्रभु को धन्यवाद दें सभी आशीषों के लिए। जोरदार जोरदार जोरदार। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। आनंद से गाना एक साथ। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से। कितने लोग आनंदित हैं? बहुत कम लोग। देखो हाथ भी उठाते हैं बड़ी मुश्किल से। हालेलुया बोलिए। हालेलुया एक साथ गाओ, आनंद के साथ गाओ फिर से।